आपके समक्ष ये खबर कोई नई खबर नहीं है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है, ये जानेंगे इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एडुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। जैसा आप टैग देख पा रहे हैं पीछे, ये सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे और ये है न्यूज आर्टिकल्स जो कि टारगेट करते हैं सिर्फ एक कंपनी को। जब हम इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमारे सामने ये नाम आते हैं, एयरटेल, उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट इज सरकारी पोस्ट जिसके जरिए हम डाक भेजते हैं, पोस्ट भेजते हैं। जियो के पास भी अपना पेमेंट बैंकिंग लाइसेंस है, और जिस वजह से ये सुर्खियों में है, जिसकी वजह से आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, वो है हमारा फेमस पेटीएम पेमेंट बैंक। आप में से कई सारे लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते होंगे, पेटीएम को यूज करते होंगे, और इस वजह से इस बात को लेकर शायद चिंतित होंगे कि आरबीआई ने यह कहा है कि पेटीएम में अब आप अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर सकते हैं, जितने भी आपने चीजें परचेज करी हैं, पेमेंट सर्विसेज जो के लिए यूज करते हैं, वॉलेट के लिए यूज कर सकते हैं, वो सुविधाएं पेटीएम के द्वारा प्रोवाइड करी जाने कर जो कराई जा रही है वो बंद कर दी जाएंगी। ये आरबीआई का नोटिफिकेशन है, ये पेटीएम द्वारा स्टेटेड नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह है, आरबीआई ने ऐसा क्यों बोला, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेमेंट बैंक होता क्या है, व्हाट इज अ पेमेंट बैंक। जब हम लोग बैंकिंग की भाषा में बात करते हैं, बैंकिंग लैंग्वेज में एक टर्म यूज होती है जिसको कहा जाता है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, थोड़ी अलग किस्म से बैंकिंग जो कि स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए यूज करा जाता है। पेमेंट बैंक डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का ही एक टाइप है, उस टाइप की बैंकिंग जो कि लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करती है उन लोगों तक जिन लोगों के पास नॉर्मल बैंक्स नहीं पहुंच सकते। तो पेमेंट बैंक की परिभाषा देखें, इट इज लाइक एनी अदर बैंक बट ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉलर स्केल, जो छोटे स्तर पे ऑपरेट करता है, बिना किसी बड़े बैंक को अपना पार्टनर बनाए, बिना किसी बड़े बैंक के साथ एसोसिएट हुए, और जो ऑपरेशंस ये करता है उसकी वजह से पेमेंट बैंक को कभी भी एनपीए का रिस्क या क्रेडिट रिस्क नहीं होता। क्रेडिट रिस्क इसलिए नहीं होता क्योंकि पेमेंट बैंक को लोन्स देना अलाउड नहीं है, इट कैनॉट एडवांस लोन्स, या क्रेडिट कार्ड्स इशू करना अलाउड नहीं है, क्रेडिट कार्ड्स तो बिल्कुल भी इशू नहीं कर सकता। पेमेंट बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज के लिए एक्सेसिबल है, उन लोगों के लिए जो लोग बहुत छोटी मात्रा में ट्रांजैक्शन या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत छोटी रखते हैं। वो ट्रांजैक्शन जब पेमेंट बैंक शुरू हुआ था तो डिपॉजिट फैसिलिटी 1,00,000 रुपए से शुरू हुई थी, यानी अगर मैं पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खोलूं तो मैं उसमें 1,00,000 रुपए तक डिपॉजिट कर सकता था। उसके बाद 2-3 साल के बाद 2021 में आरबीआई ने इस लिमिट को बढ़ाकर 2,00,000 रुपए करा, ताकि आप थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट कर सकें, लेकिन बैंकिंग के इकोसिस्टम में 2,00,000 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इसके साथ साथ आपको सुविधा मिलती है एटीएम सर्विसेज, डेबिट कार्ड सर्विसेज, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं बनता, नेट बैंकिंग और थर्ड पार्टी ट्रांसफर्स। ये प्राइमरी पर्पस है जिसकी वजह से पेमेंट बैंक जो है वो इस्तेमाल करा जाता है। और पेमेंट बैंकिंग लाइसेंस भारत सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करे तो इन सब लोगों को पेमेंट बैंक्स जो है पेमेंट बैंकिंग लाइसेंस मिला, चाहे वो एयरटेल हो, पोस्ट पेमेंट हो, जियो हो, एनएसडीएल हो, फिनो हो और पेटीएम हो। अगर आपने हाल ही में पेटीएम यूज करा हो तो पेटीएम से यूपीआई ट्रांजैक्शंस रद्द कर दी गई है, और उसकी वजह से आप यूपीआई के तौर पर ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, वो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में नहीं जा रहा है। अब पहले आपको पेमेंट बैंक्स का फायदा या उसका ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि ये चीज क्यों आई, फिर इशू को डिस्कस करते हैं। जब हम अनबैंक्ड या रिमोट एरियाज में जाते हैं तो वहां पर क्योंकि बैंक्स नहीं है, पेमेंट बैंक्स जो लिमिटेड ऑपरेशंस करता है ये बहुत काम आता है। उसके सिवा जो लो इनकम अर्नर्स हैं उनके लिए सेविंग्स अकाउंट की सुविधा जो है ये प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट्स पे अच्छे रिटर्न्स देता है, इजी ट्रांसफर ऑफ फंड्स बहुत जरूरी है, विद इन सेकंड्स पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है पेमेंट बैंक से, शायद नॉर्मल बैंक से ट्रांसफर करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, और जहां जहां डिस्पैरिटी है, अलग अलग रीजन्स में जहां जहां डिस्पैरिटी है उन रीजन्स को पेमेंट बैंक लिंक करता है, इस वजह से पेमेंट बैंक बहुत फ्रेंडली कहा जाता है। तो 29 फरवरी के बाद आरबीआई का कहना यह है कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं
वो अपना पैसा कस्टमर अकाउंट में डिपॉजिट ना करें, अपने अकाउंट को वॉलेट को जो वॉलेट सर्विसेज है उसे या तो शुरू ना करें या टॉपअप ना करवाएं, जैसे हम बैलेंस डलवाते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स ना परचेज करें, फास्टैग रिचार्ज ना कराएं। एनसीएमसी पे बैन लगा दिया गया है कस्टमर मोबिलिटी कार्ड पर। इसके रीजंस जो है ये लिमिटेड तौर पे है नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस किस तरह का है इसके बारे में आपको बताएंगे। फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, यूपीए फैसिलिटी जो है वो पेटीएम प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो जो नोडल अकाउंट है पेरेंट कंपनी पेटीएम की है, 197 कम्युनिकेशन ONC कहते हैं उसे, 197 कम्युनिकेशंस एंड पेटीएम पेमेंट सर्विसेज टू बी टर्मिनेटेड सून, इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो पेटीएम को 15 मार्च तक सेटल करनी होंगी। अब इसका इफेक्ट क्या है, अगर आरबीआई के द्वारा ये नोटिफिकेशन आता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि सब लोग सोचते हैं क्या मेरा पैसा डूब जाएगा, क्या पेटीएम बंद हो गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना पैसा स्क्वायर करने के लिए टाइम दिया जाएगा और यदि पेटीएम कंप्लाई कर लेता है तो उसका जो उसको ऑपरेशंस करने की परमिशन है वो भी दी जाएगी। तो एक तरीके से कहा जाए पेटीएम के पेमेंट बैंकिंग के लाइसेंस को कैंसिल नहीं किया जा रहा है, दे आर नॉट कैंसिलिंग द लाइसेंस, क्योंकि आरबीआई भी जानता है जो कस्टमर बेस है पेटीएम के पास वो बहुत बड़ा है। 100 मिलियन से ऊपर KYC अकाउंट जो है वो पेटीएम पे लोग, आप और हम जैसे लोग कर चुके हैं, 100 मिलियन यानी 10 करोड़, उसके ऊपर 8 मिलियन से ऊपर फास्टैग जो है वो इशू कर चुके हैं, जो फास्टैग गाड़ियों पे लगा होता है इसके जरिए रिचार्ज होता है। प्लस पेटीएम को और बहुत सारी सुविधाओं के लिए यूज करा जाता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स आप खरीदते हो, फास्टैग इज अ काइंड ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, और ये सब चीजें जो है हम करते हैं। तो जब हम ये सब चीजें कर रहे हैं तो अब जानने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि पेटीएम के पेमेंट बैंक के ऊपर इतनी आपदा, इतनी आफत आई। आरबीआई की नोटिफिकेशन पेटीएम के मुतल्लिक ये पहली नहीं है, आरबीआई ने कई सारी वार्निंग्स पेटीएम को पहले भी दी थी उनके केवाईसी नॉन कंप्लायंस की तरफ। केवाईसी पेटीएम का कभी भी कंप्लीट नहीं था आरबीआई की नजरों में। आपको लगता होगा केवाईसी करवा रहे हैं, केवाईसी करवा रहे हैं, लेकिन वो एक आरबीआई मैंडेट है जिसे पेटीएम ने पूरी तरह कंप्लाई नहीं करा, इसके ऊपर कंसर्न था। प्लस जो स्टोरेज डेटा है, आईटी रिलेटेड इश्यूज उनकी कंपनी में बहुत सालों तक चलते रहे, दे केप्ट ऑन फंक्शनिंग। तो क्योंकि केवाईसी रिलेटेड इश्यूज थे और आईटी रिलेटेड इश्यूज दोनों थे, तो आपका हमारा जो डिपॉजिट का पैसा है या जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने परचेज करा है वो रिस्क पे आ जाता है, जो कि आरबीआई नहीं अफोर्ड कर सकता था। आरबीआई डिड नॉट अलाउ मनी टू बी पुट एट रिस्क। तो पेटीएम पेमेंट बैंक एंड इट्स पेरेंट कंपनी OCL 197 कम्युनिकेशंस इज अंडर स्क्रूटनी ड्यू टू डेटा एक्सेस। ये स्क्रूटनी में है। अब ये स्क्रूटनी में आज नहीं आया है, ये स्क्रूटनी में कई सालों से है, जैसा मैंने आपको बताया इनको पहले भी वार्निंग दी गई। इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके लिए आपको लेके चलते हैं गालवान वैली क्लैश। गालवान वैली क्लैश जो भारत और चीन के बीच में क्लैश हुआ था, उसकी वजह से चाइना के खिलाफ भारत में एक एंटी चाइनीज सेंटिमेंट था या एंटी साइनो सेंटिमेंट था। पेटीएम में एक बहुत मेजर इन्वेस्टर है अलीबाबा, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। तो अलीबाबा इज अ मेजर शेयर होल्डर इन अ पेटीएम सब 197 कम्युनिकेशंस, और उसका जो शेयर है तकरीबन 10% का है। भारत चीन के रिलेशंस कम हो रहे हैं, जिस वजह से पेटीएम पे आपदा ना आए, तो यह चीज कही जा रही है कि पेटीएम जो है वो इंडियन कस्टमर्स का जो डेटा है वो अलीबाबा के साथ शेयर कर रहा है। द डेटा इज बीइंग हेविली कॉम्प्रोमाइज, जिस वजह से इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आई, और ये एक मेजर रीजन है कि आज ये प्रॉब्लम आ रही है कि केवाईसी कंप्लायंस इसके ऊपर पूरा नहीं कहा जाता, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एंटायरली डन। तो जब हम पेटीएम का शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर देखते हैं पेमेंट बैंक्स का, तो पेमेंट बैंक के अंदर 49% शेयर जो है वो पेरेंट कंपनी का है, 197 कम्युनिकेशंस इंडिया और 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, और 51% शेयर जो है वो विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर हैं इनका है, ही ओन्स 51% ऑफ द शेयर, विच इज वाई जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो पूरी इनके हाथ में आती है, इनके हाथ में मेजॉरिटी होल्डिंग है। अब पेटीएम के मुतल्लिक जो पहले से स्टेप्स लिए गए, तो पेटीएम की प्रॉब्लम जो है वो आज की यानी 2024 की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम 2018 से आ रही है, क्योंकि इनका कंटिन्यूड नॉन कंप्लायंस रहा है बैंक का। कैसे रहा है,
केवाईसी नॉर्म्स बाय आरबीआई इन द ईयर 2018 डिड नॉट कंप्लाई. आरबीआई कंसर्न्ड ओवर क्लोज टाइज बिटवीन पेमेंट बैंक एंड पेरेंट कंपनी 197, और 197 में इन्वेस्टर कौन है? अलीबाबा, जो कि इंडिया चाइना की वजह से दिक्कत करता है. 197 होल्ड्स 49% स्टेक इन पीपीबी. फेल्स टू मीट 100 करोड़ नेटवर्थ क्राइटेरिया. पेमेंट बैंक का एक क्राइटेरिया है कि 100 करोड़ की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, और ये चीज जो है ये आपको अचीव करनी है, लेकिन इन्होंने अचीव नहीं करी. दूसरी प्रॉब्लम यह है, जब डिपॉजिट लिमिट 1 लाख रुपए की थी तो भी पेटीएम पेमेंट बैंक 1 लाख रुपए की लिमिट कई बार ब्रीच कर दिया करता था, यानी आप 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर दिया करते थे अपने अकाउंट में, जो कि अलाउड नहीं है. इट वॉजंट अलाउड. अब तो खैर 2 लाख हो गई है, लेकिन पहले जब 1 लाख रुपए थी तब वो चीज अलाउड नहीं थी. उसके बाद इनको इंस्ट्रक्शन दिए कि नए कस्टमर मार्च 2022 के बाद एड ना किए जाए, और अक्टूबर 2023 हाल ही में आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक को 5.39 करोड़, 5 करोड़ 40 लाख की पेनल्टी लगाई गई, क्योंकि बैंक पेमेंट सर्विसेज फेल टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर. बेनिफिशियल ओनर कौन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. पेमेंट ट्रांजैक्शंस नॉट मॉनिटर्ड, ये मॉनिटर नहीं करी गई, ठीक से मॉनिटर नहीं करी गई. रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं हुई. पेमेंट सर्विसेज कैसे अवेल कर रहे हो, किसको पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे हो, रिस्क प्रोफाइलिंग वॉज नॉट डन प्रॉपरली. डिले इन रिपोर्टिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, अगर कोई हुआ है तो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को आपने रिपोर्ट नहीं करा, जो कि होना चाहिए था. इस वजह से आरबीआई का नोटिफिकेशन आता है, और उसी दिन से लेके आज तक पेटीएम का जो शेयर है, क्योंकि पेटीएम एक लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, वो आप देख सकते हैं फॉल्स, तो 1564 रुपीज से फॉल होते 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 आप देख सकते हैं 438 रुपए पर आ जाता है. इट कम्स डाउन टू 438 रुपीज. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेटीएम का शेयर क्रैश कर रहा है, कि 2000 अगर आप पिछले 4 दिनों में ही देखें, 20 जनवरी से 755 रुपए से 438 रुपए, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है शेयर. तो 20% शेयर फॉल, 25% शेयर फॉल, 30% शेयर फॉल, इस तरीके से शेयर जो है वो फॉल करता जा रहा है. तो अब आप देख सकते हैं कि आज की डेट में पेमेंट बैंक को रन करने के लिए कितने सारे कंप्लायंसेस हैं, जो कि जरूरी भी हैं, क्योंकि वो डिपॉजिट होल्डर्स की सिक्योरिटी के लिए है. सो विल पेटीएम पेमेंट बैंक फॉलो आरबीआई गाइडलाइंस टू सेफगार्ड द कंपनी? क्या लगता है आपको, क्या पेटीएम आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करेगा कंपनी को सेफगार्ड करने के लिए या नहीं? कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और इस सवाल का जवाब कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था, एयरटेल, इंडिया पोस्ट पेमेंट, जियो या पेटीएम पेमेंट बैंक? अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ साथ लाइक का बटन दबाएं, कमेंट जरूर करें ताकि एल्गोरिथम में हमें सपोर्ट मिले. थैंक यू सो मच. बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.